Ma'am, सामने मैम सामने मैम जी स्ट्रेट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गुड इवनिंग टाइमलेस ब्यूटी की बात करते हैं तो मैं कहूँ हाँ जी टाइमलेस ब्यूटी तो कई लाखों लोगों के मन में सबसे पहला नाम आपका ही आता है हम बहुत खुश हुए मैम आपकी इस नजर से ही तो सुना लोग देखिए आज लक्स ये अवार्ड जो है इसको रिसीव करने के लिए आए हैं ये मैं इतने कहूँगी कि एक ज़माने में जब ऐड वगैरह कुछ नहीं होता था उस वक्त दिस वाज ओनली वन और इसमें जो ब्यूटीफुल वेमेन जो थे उनको ऐड में लिया जाता था तो उसका परिणाम यह है कि आज हम लोगों का अवार्ड मिल रहा है सो इज अलॉन्ग विथ सो मेनी अदर ब्यूटिफुल आर्टिस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री आई एम ऑल्सो रिसीविंग इट सो आई फील वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी अबाउट इट हाँ वो उसके अनुसार पहन के आई हूँ तो मुझे लगा कि गोल्डन पेटल अवार्ड्स तो मेरा नाम भी इसके साथ जुड़ा है क्योंकि हेमा मालिनी इज़ ऑल्सो अबाउट गोल्डन हार तो मेरा ड्रेस भी वैसे ही है मेरा पर्स भी रही हमारा दिल भी गोल्ड है मतलब ब्यूटीफुल वुमन विशेष विचित्र बात किसने की पुरुष पुरुष सब सब पुरुष बहुत अच्छा ही बोलेंगे ना दे विल ऑलवेज से समथिंग नाइस फॉर वुमेन नोबडी विल से एनीथिंग बैड मेरे साथ तो बहुत अच्छा ही व्यवहार हुआ है आज तक सो बहुत ही अच्छा ही है सो ऑल द मेन हैव बीन वेरी एक्सट्रीमली नाइस एंड काइंड एंड वेरी वंडरफुल दैट्स इट हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं आज का ये माहौल कुछ और है तो लेट अस एंजॉय दिस How are you? Good evening. He for she. I think what comes to my mind is you should always be there for a woman, and you should you are a savior. Like you should always rescue this and that. You always stand up for that. And firstly, I'm very excited that Kareena ma'am is performing. And that's it. I'm really excited about the votes.
wanted to ask straight this question. Who has been most inspiring? सबसे ऐसी महिला जिसने आपको प्रेरणा दी हो, inspire किया? My mom. ऑलवेज बिकॉज एवरी बडी इज़ मॉम हमेशा इंस्पायर करती है बिकॉज आपको एक माई है जो सब कुछ समझती है एंड दैट इज़ द कनेक्शन वी केयर फॉर एंड दैट इज़ द वन थिंग विच आई लव नो कमेंट अबाउट दैट थैंक यू सो मच बहुत खास है बिकॉज आई रियली रियली रिस्पेक्ट दिस मोमेंट ही फॉर शी या एक्चुअली टुडे वी डिसाइडेड यार कभी हम करते नहीं है लेकिन आज किया आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी द अवार्ड्स एंड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेस एंड ऑल्सो आई एम प्रेजेंटिंग एन अवार्ड सो आई एम वेरी एक्साइटेड सॉरी इनकी तारीफ मैं क्या तारीफ करूँ वो कम है शी लुकिंग सो प्रिटी थैंक यू सो मच थैंक यू गुड इवनिंग एवरीवन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आकर एंड लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स एक वन ऑफ इट्स काइंड अवार्ड है जहाँ पे यू ऑनर द मोस्ट टैलेंटेड वुमेन ऑफ आर इंडस्ट्री एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो सॉरी सारा अली खान क्या आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट बट ऑल आई कैन से इज शी इज वेरी प्रिटी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर फिल्म नहीं डेट के लिए कहाँ बोला उन्होंने अच्छा जी वॉन्ट्स टू हाँ मतलब मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगा जी थैंक यू नो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट राइट नाउ तो अभी लेट्स सी नो टू व्हाट ऑन कमिंग दैट नेवर हैपेंड यार वो अपने आप कुछ रूमर आई थी एंड ऐसी कोई वो आई मीन इट्स बेटर नॉट टू कॉमेंट ऑन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार आई मीन स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन इज समथिंग विच इज रियली गुड एंड ही फॉर शी इट्स नॉट जस्ट शी फॉर शी सो इट्स ऑल्सो ही फॉर शी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग लुका छुपी जी लुका छुपी की शूट खत्म हो चुकी है और ये नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में रिलीज होगी तो इसका बस
आई मीन सारा शूट हमने स्मॉल टाउन मतलब मथुरा में ग्वालियर में शूट मेरे होम टाउन में पहली बार मैं शूट कर रहा था एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द फिल्म जी 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 ओके ओके सर थैंक यू Good evening. Sorry to keep you waiting. Well, it's my first red carpet, so yes, excited. What we have heard about it and would you like to say about the campaign which has been associated with that? Well, I get nervous in front of you guys. Well, I think it's great that Lux is... Sorry? No, same question. Okay. I think it's great that Lux is supporting He For She initiative. And tonight we are all together to support and celebrate all those independent, beautiful, strong women of our industry. And for me, in my opinion, Kareena Kapoor Khan is an inspiration. She brought a change and she got married and she's working and she's inspiration for all of us. Rekha ji. She's coming tonight. Is she? Wow. I'm looking forward to meet her. Thank you so very much. Thank you so much. Kareena, what are your upcoming projects? Well, you'll get to know soon. आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा बता दो थैंक यू Hi, who's going to be asking the question? Hi. Thank you very much. About time, and I think it's always been around, but I think we're just celebrating it more and more now. So, yay! Well, you know, everything that's going on with women talking about it, do you ever want to say something about all the movement that's happened? It's a very empowering movement for all the Absolutely, and that's exactly what I'd like to say, that I'm so glad that we have an environment where people feel safe enough to share their stories, because it's really difficult to share these stories. And to have the courage to come around and say these things and speak your truth. But I'm so glad that it's happening, because it's about time, and more power to everyone. And speak your truth and the truth shall set you free, as they say. Your co-actor, Sonam, also had written something about it. Yes. She had written a very beautiful blog. I agree. Yes. Do you want to add something to it? Read it. Please read it. Everybody just read it. Read it now. And who's the most beautiful woman, according to you? My mother.
and tell us something about it. Give us a sneak peek into what's going to happen inside. So, you and I are in the same boat, my friend, because I have no idea either. This is the first time I'm attending this award, and I'm really excited because I've been nominated, so I'm really excited. Last time we spoke, you told us that you'll tell us about your next project soon, and still waiting. Very soon. Thank you. Hi, good evening. Inspiring, there have been quite a few really, to be very honest. All the men in my family, my friends, some of my teachers, my colleagues. So I've actually been really lucky to have met some fantastic men and collaborated and had the chance to collaborate with some fantastic men. Any suggestions would you like to give on the eve of our campaign, which is He or She for the Men? Get completely acquainted with the movement, because it's on, it's happening, and you need to know about this. So get with it. Have a scintillating evening. Oh, thank you so much. Thank you. Bye bye. See ya. Hearing a lot about, I'm watching a lot of men jo industry se hain, and they are participating in the He for She movement and the campaign, and I think it's very very nice when, you know, men come out and support women, and you know, we live in a world of equality, so I think it's fantastic. And Lux is known for beauty, so here we are all celebrating beautiful women and their achievements. Timeless beauty for me, Madhu Balaji, of course. And someone who has inspired you in your life? I have prayed for my mother in my life, so yeah, she is my inspiration, always. Do you want to give a message to all the men who are part of the He for She campaign? I'd just love to say a big thank you to all the men who have participated in the He for She campaign. I think it's fantastic. And we need more men like you, so keep it going. Love you guys. Thank you. Really? Thank you. Thank you. It's my pleasure. Well, the shoot is almost done. We are just left with two songs, and the rest of the shoot is done. So
we're looking forward to it and very excited about it. Thank you so much. I've been styled by Lipakshi Elowari. She has given me this beautiful outfit. I think the whole credit goes to her. It's designed by Valentini. And yeah, that's what I'm wearing. Thank you. Thank you, guys.